कैंप सेटअप करते करते पता भी नहीं चला ये एक छोटी सी मुझे यहाँ पे लग गई है। खैर इसे आप छोड़ें, आप ये देखें, ये लग गया हमारा टेंट, ये चल रही है यहाँ पे आग, वहाँ पे हम चिल करेंगे, आप व्लॉग एंजॉय करें। Hello once again, this is Mehran and I'm here with another vlog. तो आज का vlog है जी हमारे रक्षान बाबा में। अब आलम ये है कि रक्षान की पिकनिक आई हुई है यहाँ नीचे और रक्षान जी हो गए हैं बड़े अब, so he doesn't want to join them, he wants to join his mamas only. तो हमने ये किया कि we have planned a special picnic just for रक्षान। तो रक्षान अभी यहाँ खड़े हो गए अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है कि भाई देखो आई एम ऑन अ डिफरेंट एक्सपीडिशन टू अ डिफरेंट प्लेस। तो ये इससे मिलता है सबसे, मीनवाइल हम आपसे अपनी डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। तो सी यू एट द डेस्टिनेशन। हाँ जी, तो सेकंड हॉल्ट जो लिया है अभी रक्षान के दोस्तों से मिलने के बाद, अब थोड़ा सा सामान उठाएंगे। जस्ट चिल कैफे, हमारा बड़ा खास भाई आदित्य उसका ये कैफ़े है। और जब भी आप भदरवा में आए तो शॉट आउट टू आदित्य फॉर जस्ट चिल, बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है इसने यहाँ पे, ये आप यहाँ बैठ सकते हैं, साइड पे पानी वानी बहता, थोड़ा बाहर जाके आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ नज़ारा। सो बेसिकली ये है हमारा जी पॉइंट, यहाँ पे आपको ये स्ट्रीम मिलेगी, अभी थोड़ा पानी सूखा हुआ है, ये आपका जी चाय वाय और जो भी आपने स्नैक्स खाने हैं उसके लिए एक पॉइंट बनाया हुआ, दिस इज़ द कैफ़े और ये पीछे का व्यू है। ओ इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बिकॉज मेरे दिमाग में तो खैर कोई खास जगह आ नहीं रही है। आई प्रेफर गोइंग ऑन सम बिग ट्रैक्स ओनली, बिकॉज इस साल हमने बहुत ही कम ट्रैक किए हैं। रिसेंटली जो ट्रैक किया था हमने तुलियन का, उसका मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, दैट वॉज हैक ऑफ ए ट्रैक एक्चुअली। सामान ले लिया, 30 रुपीज़ और मैं जीपे कर रहा हूँ, चलो तो इनको मैं कमी पेशी इनकी पूरी करता हूँ और आपसे मिलता हूँ जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन रहेगी वहाँ पर। जिस पर्टिकुलर रोड पे अभी हम चल रहे हैं ये है भदरवा बसोली हाईवे, जो कि बहुत ही जल्दी अभी एक जो है हमारा नेशनल हाईवे बन जाएगा, बिकॉज ये हमें कनेक्ट करेगा पठानकोट, पंजाब एंड दिल्ली से। बट अभी जिस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ नीचे जो एक वैली है दैट इज रक्षान वैली, पर जो रक्षान जी है हमारे वो यहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे हैं। रक्षान जी, रक्षान वैली में जाना है या आगे जाना है? आगे जाना है। तो रक्षान वैली पे भी हम एक ब्लॉग बना चुके हैं, उसका जो है मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप चेक करें। बाकी वादियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी, लेकिन उनमें से एक कोई वादी चुन के हम अपनी आज की जो है एक्सपीडिशन कम पिकनिक कम कुकिंग वहीं पे करेंगे। वैसे अभी एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है हम, पर एक बड़ी जबरदस्त आफत आन पड़ी है। हमारी सुपर प्लानिंग में भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भूल चुके हैं हम लाना, जो कि ये माचिस या लाइटर। तो आग जलाएंगे कैसे, खाना पकाएंगे कैसे, खाना खाएंगे कैसे। घर से हम लोग थोड़ा सा लंच तो लाए हैं, पर बेसिकली हमें कुछ कुक करना है विच इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज़ यहाँ आने का कोई मतलब रहता नहीं है। तो पास में यहाँ पे छोटी सी दुकान है, पहाड़ी दुकान जो है, उमर वहाँ से माचिस ढूंढ रहा है, अगर मिलती है लाइटर ढूंढ रहा है तो ही हमारा ये जो आज का सफ़र है वो कामयाब होगा, अदरवाइज़ It will be like a regular picnic kind of a thing. मिली माचिस, क्या बात कर रहा है, एक से कुछ नहीं होगा, एक तो एक और ले लेना, हो जाएगा काम इससे हमारा, क्या बात, आग जला पाओगे? ये पिकनिक बचाया है SR मल्टीकार्ट ने, बिल्कुल थैंक यू बोलो, ओके। हमारे इस एक्शन कैमरा में तो विजिबल नहीं होगा,
एक फोटोग्राफर के साथ ट्रैवल करने के सबसे बड़े ड्रॉबैक ये हैं कि आपको हर दो मिनट बाद ब्रेक मारनी है, बिकॉज ही हैज टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच ही माइट सी एंड एक्सपीरियंस विद इन द वे. तो अभी फिलहाल उमर साहब सामने जो है एक किश्तवाड़ का पीक नज़र आ रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त रेंज है. अगर हम किस्मत वाले हुए तो वो पूरी रेंज विजिबल होगी वहाँ से, पूरी पीछे जितनी रिज दिख रही है, दैट इज़ वेरी मेस्मराइजिंग. फिलहाल ये यहाँ से फ्री हों तो हम आगे चलें. देखो सीधे काम हमें करने आते नहीं है, हमें हर काम को ना मुश्किल वाला बनाना पड़ता है पहले, और फिर ही हमें वो करने में मज़ा आता है. पूरे रास्ते में कई जगह पे तेरा सम स्मॉल स्प्रिंग्स और रोड साइड, बट भाई हमें पानी नहीं भरना था वहाँ से, बिकॉज उमर साहब चाहते थे कि हम थोड़ा एडवेंचर करें और पानी भरें. अब ये जा रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए कहीं पीछे, जस्ट टू टेक टू कैंस ऑफ वाटर. वो भी उनमें से एक ही लेके जा रहा है, कह रहा है पहले एक लेके जाऊँगा, फिर दो घंटे बाद फिर यहाँ आऊँगा, फिर लेके जाऊँगा. तो सीधे काम हमारे बस के ही नहीं है, मतलब हमें जचते ही नहीं है. एडवेंचर चाहिए भाई हर चीज़ में. वी लव एडवेंचर्स, यू सी एडवेंचर्स मोर देन मी इन फैक्ट. देखो एक बहुत ट्रिकी सा यहाँ पे वेदर हो गया हुआ है. नीचे वैली में पूरी धूप निकली हुई है, और जिस पर्टिकुलर जगह पे मैं खड़ा हूँ, दो मिनट पहले यहाँ पे धूप थी, और अभी विद इन नो टाइम यहाँ पे कैलाश की तरफ से एक ज़बरदस्त बादलों का जो जमावड़ा है वो टूवर्ड्स अस आ रहा है. मैंने सोचा था उस पर्टिकुलर जगह पे बैठेंगे पेड़ों के नीचे, बट अभी मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया हूँ कि वट शुड वी डू. हमारे पास ये जगह भी है, दिस इज़ गुड, वहाँ पीछे भी बैठ सकते हैं, सो दैट गाड़ी पास है, अगर कोई बारिश वारिश आती है हम लोग गाड़ी के पास जा सकते हैं. तो फिलहाल पानी लेने जो बंदे गए वापस आए नहीं है, अभी उनका वेट कर रहे हैं, फिर फाइनल डिसाइड करेंगे कि वेयर वी शुड स्टे एंड कुक, और अकॉर्डिंग टू द वेदर. अभी तो देखो सूरज भी चला गया इसके पीछे, तो बहुत ही खतरनाक बादल आ रहे हैं, और मुझे सर्दी लगना भी शुरू हो चुकी है. तो पहले मैं कोई जैकेट लगा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ. ये होते हैं भाई काम करने वाले लोग, एक कैन पानी के लिए 30 मिनट पूरे के पूरे लगा के आए हैं लोग. एक कितना टाइम लगाया आपने? पानी का फ्लो कम हो गया क्योंकि ग्लेशियर पिघल गया. बारिश खैर अभी तो हुई नहीं है, बट आसार पूरे हैं. तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने ये पर्टिकुलर स्पॉट चूज़ किया है. गाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारी, और हम टेंट लगाएंगे, चूल्हे ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे, और व्यू तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं. तो फिलहाल टेंट हम लगाते हैं, आप ज़रा विजुअल्स इन्जॉय करें टेंट के. बारिश आ गई है, फटाफट पहले खाना खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं. आओ बैठो, जल्दी करो यार, जल्दी करो, देर होगी. बारिश से पहले पहले खाना ख़त्म करना. जितनी देर आपसे सिर्फ आपको अपडेट करने में लगी उतनी देर में बारिश शुरू हो गई है. अब हमने सामान शिफ्ट कर दिया खाने का टेंट के अंदर, उधर ही बैठ के खाएंगे और उधर ही बैठ के बात करेंगे. ये देखना गिराना नहीं चटनी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेडशीट भी ले. मौसम ना बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान. हमारे खाना खाने के बाद भी तो आ सकती थी बारिश, पर अभी क्यों आई? टेंट के अंदर से खाना खाने का मुझे लग रहा है ज़्यादा एक अलग ही चार्म होगा बिकॉज ऑफ दिस व्यू. हल्की हल्की कनियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी, टक 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 टक, अभी तेज़ हो जाएगी. आ जाओ यार, खाते हो, ठंडा हो गया खाना यार. हाँ जी, तो खाना हमने खा लिया है, बारिश जो है वो पड़ना बंद हो गई है. उमर और अक्षान को बाहर भेजा मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा करने. मैं फिलहाल टेंट से बाहर आ रहा हूँ बिकॉज अच्छी धूप जो है वो निकल आई है. हालांकि थोड़ा अभी मिक्स है, थोड़े से बादल और थोड़ी धूप, बट इट इज़ स्टिल गुड, अच्छा वेदर है, सो अल्हम्दुलिल्लाह. वो इफ़ यू कैन सी अक्षान है, उमर का कोई ज़्यादा पता नहीं, उमर उससे भी ऊपर हो सकता है. ये लोग थोड़ा ट्रैक सा कर रहे हैं, हाइक सी कर रहे हैं, और वहाँ से लकड़ियाँ भी लेकर आएंगे. मैं यहाँ बैठ कर रिलैक्स करूँगा और ये नज़ारा देखूँगा. आपको एक ब्यूटीफुल सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ, आप इन्जॉय करें उसे.
10 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब बारिश आ ही गई समझो, बट अगेन हमें हमारे प्यारे सूरज चाचा ने बचा लिया और हम फिर एक सुहाने मौसम में बैठे हैं। अब फाइनली ये लोग गए थे ट्रैक पे। हाँ जी लक्षान जी, ट्रैक पे कैसा लगा जाके आपको? मजा आया। कहाँ पे गए थे ये लोग? कहीं वहाँ पीछे के जंगलों में गए थे, उस वाली रेंज में कहीं पर, और दे हैव जस्ट केम बैक। तब तक मैंने टेंट वेंट जो है वो पैक कर लिया है। उमर जी जो है वो अब आग जलाने का प्रयास करेंगे और तब तक हम करेंगे चिल, और जैसे ही जलेगी आग फिर हम आपको चूल्हे के पास लेके जाते हैं। तो हमारी जो आग है वो जल गई है एंड ऑल थैंक्स टू उमर बाबा। दो माचिसें ख़त्म करने के बाद फाइनली आग जला ही लेते हैं हम लोग। तो हम पहले भी मैं ये सब बताता आया हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, ऐसी वाली जो गंध है आपकी, या तो ये घर जाएगी वरना ये जल जाएगी। तो मेक श्योर जब भी आप कैंपिंग करें या जनरली भी आप कभी किसी एक्सकर्शन पे बाहर हों तो अपनी गंध को उसी आग में जलाएं, अपने दुखों के साथ उन्हें भस्म कर दें। तो आजकल के बच्चों का सीन ये है, इतनी खूबसूरत जगह आके भी अपने हेडफोन्स लगा के व्यस्त। प्याज टमाटर और हरी मिर्चें हम काट चुके हैं, ऑमलेट बनेगा, चाय बनेगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, ऑमलेट तो पक्का बनेगा, और ऑमलेट बनाते बनाते फर्दर बात करता हूँ मैं। देखो फाइनली हमने हमारे शहजादे को काम दे ही दिया एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी वेल। ये खैर मैंने काटा था, अंडे जो है वो रक्षान तोड़ रहा है। तो ये है जी हमारे रक्षान जी। नो अफगानी यार, हम देसी अंडा बनाएंगे, बड़ा कलरफुल सा अंडा होगा वो, और आई थिंक कलर ग्रेडिंग के बाद थोड़ा ज़्यादा कलरफुल दिखेगा आपको अगर मैंने करी तो। पहाड़ों पे जो आग जलाने का काम है ना, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप कोई खास इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे, गीली जली हुई लकड़ी माचिस या लाइटर से जला रहे हैं ना, तो फिर आपको आनी याद आ ही जाती है, जैसे कि हमें अभी आ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। ये कश्मीरी रोटी है, इसे कहते हैं लवासा, बड़ी ही टेस्टी होती है। इसे आप बटर लगा के खाएं, चिकन के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं, यू गोना लव इट। बड़ी ऑथेंटिक है हमारे यहाँ पे, अक्सर मल्टीपर्पज यूज़ के लिए की जाती है, चाय के साथ लोग खाते हैं, खाने के साथ भी खाई जाती है, और दिस इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ द डे। ये जो पूरा यहाँ से आपको एक ऑरेंज एंड ब्लू एंड ये जो सब लेयर्स दिखेंगी ना, दिस इज़ गोना ऐड चार्म्स टू आवर वीडियो नाउ। और बस फटाफट अब ये खा के वो रही साड़ी गड्डी और शाम हो रही है। रक्षान, रक्षान, आप रक्षान को देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप इमेजिन करेंगे वहाँ करने का क्या होगा, और ये भी मुझे बताइएगा गेस करके कि ये ऊपर क्या करने गया था अकेला। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको अपने खाने को कंप्लीट करते हैं और फटाफट खाते हैं, फिर निकलने ही करते हैं, बिकॉज रहने थोड़ी आए हैं हम, घर जाना है यार, बहुत ठंड है, रात में तो बर्फ़ पड़ जाएगी, सच कह रहा हूँ, सीरियसली देर इज़ क्वाइट ए प्रोबेबिलिटी कि बर्फ़ पड़ सकती है क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है पहाड़ों पे। दिस इज़ ऑलमोस्ट अक्टूबर, आई डोंट नो ये व्लॉग कब पोस्ट होगा, अक्टूबर में ही पोस्ट करूँगा, बट रहने का इरादा नहीं है यार, घर जाके आराम से अपने कंबल में रहेंगे, खाते हैं और निकलते हैं।